चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज हम बात करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपाधि के बारे में। जैसे हम लोग कई बार यह स्टार देखते हैं, वो एनसीसी वालों के होते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये एनसीसी के हैं। जहाँ प्राइवेट कंपनी में किसी सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ स्टार होते हैं तो हमें पता चलता भी ये प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं। किसी फैक्ट्री में, किसी मिल में भी ऐसे स्टार किसी के ऊपर होते हैं तो पता चल जाता है ये प्राइवेट है। पुलिस के स्टार से हमें उसकी पदवी का पता चल जाता है, उसके पास कितनी ताकत है, सामर्थ्य कितनी है, अधिकार उसके पास कितने हैं। आर्मी के जो हैं, आर्मी के अफसरों के ऊपर बड़े बड़े स्टार होते हैं, जो पदवी होती है जो कंधे पर, तो उससे पता चल जाता है कि इसके पास कितना बड़ा अधिकार है, ये क्या कुछ कर सकता है, कितनी पावर है उसके पास। तो उसी से अंदाज़ा ला लेते हैं कि हाँ, ये इसके पास ये पावर है, ये कर सकता है। परमेश्वर के लोगों, ऐसी ही बात पर यीशु मसीह के बारे में मैं आपसे करना चाहता हूँ। यशाया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और इसका 6 वचन में लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। इंग्लिश में लिखा है, गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर, गवर्नमेंट उसके शोल्डर पर होगी, गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर, गवर्नमेंट उसके कंधे पर होगी, ऐसा लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह के क्या पदवी है, क्या स्टार है, कैसे कैसे पता चल पाएगा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभु तो उसके कंधे पर होगी, यानी कि गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। जब परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र के संसार में भेजा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आए संसार में, प्रभु यीशु मसीह को सब प्रकार के अधिकार देकर ही इस संसार में भेजा, तो आगे लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर, परकर्मी परमेश्वर, माइटी गॉड, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर, शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस होगा। तो ये जो उसके नाम के बारे लिखा गया, ये उपाधि के बारे लिखा गया है, और जैसे शुरुआत में लिखा गया कि गवर्नमेंट उसके शोल्डर पर होगी, कंधों पर होगी, तो हम थोड़ा सा इस पर वर्णन करना चाहते हैं। तो लिखा है वो कौन सी उपाधियां हैं, अद्भुत युक्ति करने वाला, यानी कि वंडरफुल काउंसलर। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत सलाहकार हैं, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परामर्शदाता हैं, आपको सही मार्ग दिखाने वाले। बहुत बार हमें कुछ सोचता नहीं है, क्या करें या ना क्या करें, इधर जाएं या उधर जाएं, नहीं पता चलता। तो हमारे पास एक परामर्शदाता है, अद्भुत परामर्शदाता, वंडरफुल काउंसलर। वो हर दुख में, हर सुख में, हर एक खुशी और गमी में, परेशानी में, विफलताओं में, सफलताओं में, हर वक्त हमें सलाह देते हैं, हर वक्त हमें सही मार्ग दिखाते हैं, और ये उनकी उपाधि है, अद्भुत युक्ति करने वाला और परकर्मी परमेश्वर। लिखा है माइटी गॉड, परकर्मी परमेश्वर मतलब शक्तिमान परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, चमत्कारी परमेश्वर, अति महान परमेश्वर, ये उसका जो है तमगा है। चंगाई देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, सफलता देने वाला परमेश्वर, पराक्रम करने वाला परमेश्वर। सो परमेश्वर के लोगों, ये सब कुछ उसकी उपाधि है, अधिकार है, गवर्नमेंट उसके कंधों के ऊपर होगी। अद्भुत सलाहकार, वंडरफुल काउंसलर, हर समय दुख मुश्किल समस्या परेशानी में अगर आप उसके पास आते हैं तो आपको वो सलाह देंगे, आपको वो सही मार्ग बताएंगे। और परकर्मी परमेश्वर, माइटी गॉड, शक्तिमान परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, चमत्कारी परमेश्वर, आत्महान परमेश्वर, जब उसके पास आप आएंगे, चंगाई देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, सफलता देने वाला परमेश्वर, रक्षा करने वाला परमेश्वर, माइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड।
जब आप उसके पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास, तो उसके पास वो अधिकार है आपको चंगाई, छुटकारा, क्षमा, सफलता, सब प्रकार की आशें आपके लिए वो परकर्म कर सकते हैं। शक्तिमान, शक्तिशाली परमेश्वर है। अगले लिखा है, अनंत काल का पिता, एक स्टार, दो स्टार, ऐसे स्टार, तीन स्टार, ऐसी उपाधि, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर, सर्वकालिक पिता, चिरस्थाई पिता, सदा का पिता, आदि से अंत तक का पिता, इसका अर्थ है। सो प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक पिता की तरह आपके साथ रहेंगे, आपको संभाल लेंगे। जब तक आप जीते जी हैं, जीते जी वो आपके साथ एक पिता की तरह बने रहेंगे, आपके मददगार। और इस संसार को छोड़ने के बाद जब परमेश्वर के पास जाएंगे, तो भी प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपकी देखभाल करने के लिए एक पिता, जीते जी, मरने के उपरांत भी वो एक एवरलास्ट, हमेशा का पिता, हमेशा का पिता, हमेशा का पिता, हमेशा का पिता वो बना रहेगा। और लिखा है, शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस, मतलब शांति का राजकुमार, चैन का राजकुमार, मेल मिलाप का राजकुमार, एकता का राजकुमार, समझौते का राजकुमार, सुले का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। उसके पास अधिकार है जीवन में शांति भरने का, आपके परिवार में शांति भरने का, आपके घरों में शांति देने का अधिकार है। वो शांति का राजकुमार है, उसके पास अधिकार है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, तो आपके जीवन में शांति भर देंगे, आपके परिवारों में शांति भरेंगे, आपके जीवन में शांति भरेंगे, आपके घरों में शांति हो जाएगी। सो इसलिए यहाँ पर लिखा था यशायाह नबी के द्वारा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार होगा। ये सब उसकी उपाधियां हैं, परमेश्वर मसीह की उपाधियां हैं। तो आप जैसे कंधे पर जो स्टार लगे होते हैं, जो उपाधि होती है, उससे आप जांच लेते हैं कि ये कौन सा अधिकारी है, कितना बड़ा अधिकारी है, इसके पास क्या पावर है, ये क्या कर सकता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी आप समझ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी आप जान सकते हैं कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर है, वो परकर्मी परमेश्वर है। याद रखिए, परकर्मी परमेश्वर का मतलब शक्तिमान परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, चमत्कारी परमेश्वर, अति महान परमेश्वर, पराकर्म करने वाला परकर्मी परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, सफलता देने वाला परमेश्वर, वो है परकर्मी परमेश्वर, परकर्मी परमेश्वर, परकर्मी परमेश्वर। सो आपके जीवन में हमेशा वो आशीषित देते रहेंगे। सो गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर होगी। इससे हमें पता चलता है प्रभु यीशु मसीह के अधिकार का, प्रभु यीशु मसीह की पावर का, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का। सो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास ही ये अधिकार हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ऑलमाइटी गॉड है। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें, प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करें। आमीन।